मिली है विक्रम से। बड़ा ही होनहार लड़का है। विक्रम को पार्टी करना बहुत पसंद है और वो अक्सर शराब पीने के बाद खुद गाड़ी ड्राइव करता है। एक रात उसने नशे में अपनी गाड़ी को पेड़ से ठोक दिया और कार रिपेयर करने की सजा मिली उसके डैड को। बट नॉट टू वरी, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या हुआ, खुलेआम किस तो नहीं करता हुँ? और अब मिलते हैं संजना से। संजना को अपने शहर और कचरे के डिब्बे में कोई फर्क नहीं लगता। खाली रैपर, फ्रूट के छिलके, बचा हुआ खाना, जहां जहां पैर पड़े संजना के वहां वहां बंठा ढार है। बट दैट्स कूल, कम से कम संजना सरेआम किस तो नहीं करती। ये है मिसेज शर्मा। इनकी किटी पार्टी के क्या कहने। मैं भी गया था। इनके साथ है छोटू, घर का नौकर। छोटू की उम्र यही कोई होगी 14 साल। मिसेज शर्मा को लगता है कि वो उनका बंधुआ मजदूर है। तो क्या हुआ, कम से कम मिसेज शर्मा पब्लिकली किस तो नहीं करती। अब मिलते हैं बबलू से। सीटी बजाने में माहिर, और लड़कियों को देखकर तो इनके मुंह से सीटी ऑटोमेटिकली निकल जाती है। ये आइटम। कल तो इसने एक लड़की का हाथ भी पकड़ लिया था, पर बेचारे का बैड लक देखो कि लड़की किसी तरह भागने में सफल रही। पर बंदा नेक है, कम से कम सरेआम चुमा चाटी तो नहीं करता। और ये जनाब है हर्ष, सीधा साधा लड़का है, सच्चा है, केयरिंग है, पायलट बनना चाहते हैं जनाब। कुछ दिनों पहले इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गुना, इस नालायक बेशरम की हिम्मत तो देखो, इसने अपनी ही दोस्त को हक किया, वो भी सरेआम। तो क्या हुआ, अगर वो उदास थी, बहुत गलत किया ना। हाँ, मारो साले को। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से लगता है। पर लड़की लड़कों को लड़कियां नहीं छेड़ते, लड़कियां लड़कों को छेड़ते हैं। जस्ट अ पैक ऑन द चीक। हैदराबाद के लोगों की खास बात क्या है? क्या खाली खाना और सोना है और फिरना है, कुछ भी काम नहीं है, माँ बाप नौकरियां।